हम लोगों ने कैंडिडेट के साथ एक बैठक कर लिया है, सभी को प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं और उसी की संक्षिप्त जानकारी मैं आप सब लोगों के साथ भी सबसे पहले साझा करूंगा। तो कुल 15 अभ्यर्थी थे जिनके नामांकन का जो अभ्यर्थिता है उसको स्वीकृत 15 मई को जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था। आज जो 17 मई तक की तारीख थी, 2 दिन का समय विड्रॉल के लिए दिया गया था। इसमें एक कैंडिडेट श्री निर्भय यादव जी के द्वारा अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल 14 अभ्यर्थी अब बक्सर लोकसभा निर्वाचन जो क्षेत्र है उससे अपना निर्वाचन लड़ेंगे। तो जो राजनीतिक दल हैं और जो उनको आवंटित प्रतीक चिन्ह हुआ है वो मैं संक्षिप्त में आप लोगों के साथ जानकारी रखूंगा और क्रमांक संख्या जो बैलेट यूनिट पे वो लोग दिखेंगे। तो पहले क्रमांक पे जो हमारे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दल हैं उनके अभ्यर्थी रहते हैं। पहले क्रमांक पे श्री अनिल कुमार जी बहुजन समाज पार्टी से रहेंगे, हाथी उनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। दूसरे क्रमांक पे मिथिलेश कुमार तिवारी जी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, कमल का इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। तीसरे क्रमांक पे सुधाकर सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रहेंगे, लालटेन इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह। इसके बाद RUPP मतलब रजिस्टर्ड बट अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी क्रमांक संख्या आती है। तो उसी क्रम के अनुसार चौथे नंबर पर राजू सिंह जी रहेंगे बहुजन मुक्ति पार्टी से, चारपाई इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। पांचवे क्रमांक पर श्रीमती हेमलता जी रहेंगी जागरूक जनता पार्टी से, फुटबॉल इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। तो ये हो गया जो हमारे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दल थे और जो RUPP मतलब रजिस्टर्ड बट अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के 5 कैंडिडेट्स कुल मिलाकर थे। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसके बाद अब अन्य अभ्यर्थी या निर्दलीय अभ्यर्थी आएंगे छठे नंबर से। तो छठे क्रमांक पर श्री अखिलेश कुमार पांडे जी रहेंगे जो निर्दलीय के रूप में रहेंगे, त्रिभुज इनको जो आवंटित प्रतीक चिन्ह है। सातवें क्रमांक पर आनंद मिश्र जी रहेंगे जो भी निर्दलीय हैं, सेब एप्पल इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। आठवें क्रमांक पर आनंद मिश्रा जी जो भी निर्दलीय हैं, कैची इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। 9 नंबर पर ददन यादव जी निर्दलीय के रूप में रहेंगे, सिलाई की मशीन इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। 10 नंबर पर निरंजन कुमार राय जी निर्दलीय के रूप में रहेंगे, एयर कंडीशनर AC इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। 11 नंबर पर भगवान सिंह यादव जी निर्दलीय के रूप में रहेंगे, अलमारी इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। 12 नंबर पर राम स्वरूप चौहान जी रहेंगे निर्दलीय कैंडिडेट, पानी का जहाज इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। 13 नंबर पर सुधाकर मिश्रा जी मोतियों का हार इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह है। और 14 नंबर पर सुनील कुमार दुबे जी बल्ला मतलब बैट इनको आवंटित प्रतीक चिन्ह। तो ये मैंने आप लोगों को क्रम संख्या के अनुसार जो जो हमारे अभ्यर्थी थे और जो उनको प्रतीक चिन्ह आवंटित किए गए हैं उसकी पूर्ण रूपेण जानकारी आप लोगों को दी है।